दोन संघांमध्ये सन्माननीय संजयजी सुमारे आपल्याला विनंती असेल की आपण स्वागत कक्षामध्ये जाऊन आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा. चंद्रकांतजी भोईर हेही इथे उपस्थित आहेत. यावर्षी भातणगावामध्ये मेजवानी आहे, कारण काही असू द्यात, परंतु क्रिकेट रसिकांसाठी तीन तीन नाईट टुर्नामेंट आहेत. तीन नाईट टुर्नामेंट्स ही यानंतर अजून एक होणार, यानंतर अजून एक होणार, पण क्रिकेट रसिकांसाठी मोठी मेजवानी. मैदान हाच असणार, आयोजकही जवळजवळ तेच असणार, परंतु तीन वेळा या मैदानावर आपल्याला नाईट क्रिकेट स्पर्धा खेळायला मिळेल. फेब्रुवारीमध्ये चंद्रकांत भोईर यांची स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळेल. सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार. दोस्तों, अमदा ट्रॉफी 2024, एक तरफ वार्दोली टीम है और दूसरी तरफ सांगरे टीम. विकेट हैट्रिक के लिए 1000 रुपए का प्राइस जो जीवन पाटिल बादल ग्रुप, उन्होंने कंटिन्यू किया है विकेट हैट्रिक के लिए. अरुण पाटिल जी हाँ, मावली चाय हमारा बहुत फेमस चाय, जिसकी एक चुस्की अगर लेना तो पूरी नींद उड़ जाएगी. मावली चाय यहाँ पे आ चुका है, उनका भी हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. चलो दोस्तों, मुकाबले की तरफ. एक तरफ रहेगी वार्दोली टीम और दूसरी तरफ सांगरे टीम. एक ही रास्ते में दोनों गांव पड़ते हैं, एक दूसरे की खामियां खूबियां सब कुछ जानते हैं, और अब देखना होगा मुकाबला किस तरफ होगा. बहुत बढ़िया क्रिकेट यहां पे हम देखेंगे. दूर वाली छोर से गेंदबाज तैयार. पहली गेंदबाजी के लिए गेंदबाज कल्पेश पाटिल. कॉमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से हियर इज फर्स्ट वन, पहली गेंद. और बढ़िया स्ट्रोक, बढ़िया क्लासिकल, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव सिक्स. छह रन बने, क्या जबरदस्त धमाकेदार शुरुआत यहां पे देखने को मिली. आशीष पाटिल सांगड़े गांव की ये बल्लेबाज. दूर वाली छोर से गेंदबाज तैयार, ओवर द विकेट. ये डॉट बॉल इस साल अगर देखा जाए ना तो इस हमारे जो विभाग की सबसे बड़ी टूर्नामेंट जिसे कही जाती है 40 गांव प्रीमियर लीग, इस साल सांगड़े में हुई थी सात भाई ग्रुप ने, जिसमें सूर्यकांत पाटिल हमें 2 दिन के लिए मौका दिया था उन्होंने, लेकिन मैं उनसे माफी मांगना चाहूंगा कि मेरी आवाज उस टाइम भी खराब थी, आज भी खराब है. इस बार देखिएगा, घुमा कर खेला इस गेंद को और गेंद जाएगी सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर. 6 रन. एक बार तैयार रहेंगे. ओह, ये भी बढ़िया स्ट्रोक. ये तो मैं कहूंगा ये टेनिस क्रिकेट के शॉट है ही नहीं, लेदर क्रिकेट के लग रहा है. बिल्कुल वाकई बेहतरीन बल्लेबाजी. रन बन चुके हैं
अल्पेश पाटिल काल बनकर आया मैदान के अंदर, गेंदबाजों का गेंदबाज की बात करें आशीष पाटिल, कल्पेश पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त। और आशीष पाटिल की बात करें ना तो रायगढ़ में एक बड़ा खिलाड़ी जाना जाता है आशीष पाटिल। कल्पेश पाटिल बहुत बढ़िया गेंदबाजी करने का प्रयास तो जरूर कर रहे हैं कल्पेश, लेकिन जहां तक बात की जाए ना, गेंदे खराब नहीं डाली थी कल्पेश ने, लेकिन उन गेंदों को खराब किया था बल्लेबाज ने। क्या जबरदस्त स्ट्रोक, पहले दो शॉट अगर देखे जाए ना तो बार बार देखने का मूड करता है। यह अभी ताजा जानकारी सूत्रों के अनुसार हम बता रहे हैं कि पहले 40 गांव प्रीमियर लीग में 4 50 लगाए थे आशीष पाटिल ने, तो यह मैदान पहला 40 गांव प्रीमियर लीग इसी मैदान के ऊपर हुआ था, तो शायद मदद कर रही है मिट्टी अल्पेश यहां पे आशीष को। ओवर द विकेट अगली गेंद, क्या बढ़िया स्ट्रोक यार, कमाल की बल्लेबाजी, वाह भाई वाह, दिल जीत लिया इस बल्लेबाज ने, कमाल की बल्लेबाजी, 4 रन। बन चुके हैं सवाल के खटगड़े में खड़ा कर दिया है कल्पेश पाटिल को, जो इस वक्त वार्दोली टीम की तरफ से गेंदबाजी कर रहा है। अच्छी गेंदें डाल रहा है कल्पेश, ऐसा नहीं है, लेकिन खराब करने का काम ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये गेंदबाजों के लिए काल होके आया है, जिसका नाम है आशीष पाटिल, बेहतरीन छक्का। पहली ओवर में 26 रन बनाए बल्लेबाज ने, पीछा करना था 53 रनों का, हाईएस्ट स्कोर जरूर है, लेकिन जिस अंदाज से बल्लेबाजी हुई है ना आशीष पाटिल की, सराहना करनी पड़ेगी, तारीफ करनी पड़ेगी, अल्फाज नहीं है हमारे पास, क्या लाजवाब बल्लेबाजी। नए गेंदबाज विकास अरिवले, अरिवले विकास अरिवले भाऊ निकनेम से जाने जाते हैं ये गेंदबाज। विकास इस बार गेंदबाजी के लिए तैयार, कमर कसनी होगी विकास को, अगर इस मुकाबले को जीतना है तो बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। हल्के हाथों से डिफेंस किया, ये सोच होनी चाहिए इस वक्त स्ट्राइक अमित भोपी की, क्या लाजवाब बल्लेबाजी, भले उन्होंने छक्का नहीं मारा लेकिन छक्के से भी ऊपर काम किया है जिन्होंने स्ट्राइक दी इस वक्त आशीष पाटिल को, यह सोच होनी चाहिए। आशीष पाटिल का क्या कहना, पहली ओवर में 26 रन बनाए, 53 रनों का पीछा करना है, पहली दूसरी गेंद के ऊपर, दूसरी ओवर में पहली गेंद के ऊपर आए सिंगल रन, अब देखना होगा सामने काल खड़ा है, और इस वक्त भावू भी कम नहीं है। विकास बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, पिछले 15 सालों से तुम इस खिलाड़ी को खेलते हुए देख रहा हूं, ये भी सोच बढ़िया है आशीष की, डबल में कन्वर्ट, हर एक गेंद के ऊपर छक्का आना जरूरी नहीं होता, सोच लिया था, थाम लिया था, ये अच्छी खिलाड़ी की पहचान रहती है। 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ टोटल आ चुका है 29 रन, 39 विदाउट लॉस, माफ कीजिएगा 29, 29 रन बन चुके हैं, क्या बढ़िया बल्लेबाजी। ओवर द विकेट विकास, खराब बॉल, खराब बॉल, फंसाना चाहते थे बल्लेबाज को और खुद फंस गए, तीसरे अंपायर की मांग। स्क्रीन पर हम देखेंगे बीमर है कि नहीं है, आइएगा आयोजन करता,
हम देखेंगे तीसरे अंपायर की मांग जरूर की है, ये गेंद बीमर है कि नहीं है चेक की जाएगी स्क्रीन पर। ऑन फील्ड डिसीजन है कुछ अंपायर, सॉफ्ट डिसीजन कुछ है अंपायर, स्क्वेयर लेग अंपायर सॉफ्ट डिसीजन है कुछ, चलिए लीगल डिलीवरी है। अर्जुनकर्ताओं ने बता दिया है कि बिल्कुल डीप हो रहा था गेंद, नीचे जा रही थी गेंद, तो शायद अर्जुनकर्ताओं से यहां पे ये डिक्लेयर कर दिया कि ये लीगल डिलीवरी है। इस गेंद के ऊपर आएंगे नंबर 6, टोटल बढ़ता हुआ रन संख्या 35 रन। हल्के हाथों से वाह, क्या बढ़िया, क्या बढ़िया, बढ़िया बल्लेबाजी। सब कुछ अगर ठीक हो रहा हो ना तो आप किधर भी कदम डालो तो पानी ही निकलेगा और चार आएंगे। ओवर द विकेट, हल्के हाथों से इस गेंद को खेलना चाहते थे, फर्स्ट विकेट डाउन होने का मौका, लेकिन बाल बाल बच गए। वो उर्दू में कहावत है ना कि कानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो समा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। काफी बढ़िया प्रयास तो वार्दोली टीम कर चुकी है, लेकिन साझेदारी टूटने का नाम नहीं रहे। दूर वाली छोर से गेंदबाज तैयार, हल्के हाथों से इस गेंद को खेल दिया, दूसरा और डायरेक्ट हिट तो जरूर हुआ है। दूसरी रन के लिए दौड़ना चाहते हैं दोनों बल्लेबाज, दो रन कंप्लीट। तीसरी की मांग डेंजर एंड पर थ्रो भी किया था, लेकिन तीन रन कंप्लीट। वार्दोली टीम मानो फटफड़ा रही है जीत के लिए, बहुत प्रयास। तीसरी अंपायर की मांग रन आउट के लिए, अपन बाहुया तीसरे पंचांची मागणी केलेली आहे रनआउटच्या स्वरूपामध्ये। अपन बाहुया दुसऱ्या धावेसाठी विकेट जाणार का, नाही बिलकुल पोहोच चुके आहे बल्लेबाज, है ना। आयोजन करता क्या डिसिजन है, नॉट आउट है, बिल्कुल पहुंच चुके हैं। तो इस गेंद के ऊपर आएंगे तीन रन, बढ़ता हुआ टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 42 रन। जीतने के लिए 53 रनों की जरूरत है, 42 रन तो बन चुके हैं। अब जीतने के लिए 12 गेंदों के ऊपर 11 रनों की जरूरत। बारह गेंदों के ऊपर 11 रनों की जरूरत है, जबरदस्त मुकाबला। नए गेंदबाज विघ्नेश पाटिल को विघ्न हरना होगा। वार्दोली टीम इस वक्त थोड़ी सी मुसीबत में जरूर है, लेकिन यहां से अगर प्रयास किया जाए तो पिछला मुकाबला भी हमने देखा था कल की रात का, ये रन नहीं निकले थे, एक बनेगी, जब मुकाबला हुआ था मेरे ख्याल से नारपोली और ऐसे ही 12 गेंदों के ऊपर 13-14 रन थे शायद अंतिम ओवर में, और नारपोली टीम ने जीत हासिल की थी, कालुंद्र टीम थी, और क्या बढ़िया गेंदबाजी हुई थी। तो मुमकिन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वार्दोली टीम परास्त हो चुकी है, लेकिन कमर कसनी पड़ेगी, खून कस पसीना एक करना पड़ेगा गेंदबाजों को। इस वक्त एक रन निकली, अब गेंदे बची है 11 और जीतने के लिए रनों की जरूरत है 10 रन। 11 गेंदे 10 रन, ओवर द विकेट, बॉलिंग ट्रैक पर बॉलर तैयार, और बढ़िया सुख, वाव सिक्स वंस अगेन 6 रन।
बहुत अभी हेडेक हो रहा है हमें, क्या बढ़िया बल्लेबाजी, 6 रन बिल्कुल जीत के नजदीक पहुंचती हुई। 10 गेंदों के ऊपर अब जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत, वो द विकेट। और गेंद तक पहुंचने की कोशिश करनी करना चाहते थे, ये देखिएगा, मैं कहता हूं ना कि जब एक कदम आपका दलदल में फंसे ना तो हर एक कदम दलदल में ही फंसेगा। ये वाइट बॉल और इसके ऊपर आई 1 रन, मानो अब 2 रन आए, अब जीतने के लिए जरूरत है 2 रनों की, 2 रन चाहिए जीतने के लिए। सामने है बल्लेबाज, आज की गेंदबाजों का काल होकर बल्लेबाजी करी है आशीष ने, स्वीप चिट करना चाहते थे, ये डॉट बॉल। आशीष इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे स्ट्राइक में, स्विक फिनिश करना चाहते हैं लेकिन स्विफ्ट चिट करना चाहते थे, मिस टाइमिंग स्ट्रोक खेल बैठे। ये देखिएगा, हल्के से गेंद को टैप किया, 1 रन दूसरी की कोशिश, और इसी के साथ टीम सांगड़े टीम ने जीत दर्ज की है इस पहले सत्र में, बधाई हो टीम सांगड़े टीम, हार्ड लक टीम वर्दोली। दोनों टीमें एक दूसरे को शिकायत करके मैदान छोड़ेंगे, सांगड़े टीम और वादोली टीम, और इस मुकाबले के लिए मैन ऑफ द मैच से नवाजा जाता है, गिव मी अ बिग हैंड वन मैन आर्मी, और एक बेहतरीन इनिंग को अंजाम दिया था बल्लेबाज आशीष पाटिल, के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। तो चलो दोस्तों, नई आवाज आपको यहाँ पे सुनाई देगी, मोरेश और भोईर इसी गांव के सुपुत्र है, आज रुपेश ठाकुर भी हमारे साथ है और मोरेश और भोईर हमारे साथ जुड़ेंगे। अगले मुकाबले का आपको देखा हाल आपको उनकी आवाज से सुनाई